हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है, हम सीखेंगे दो क्वेरीज को कंबाइन करना। क्वेरीज को कंबाइन करना हम पहले भी सीख चुके हैं, थोड़ा सा यहां से भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये 2016 है और इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है। और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप जो कि अटैचमेंट डेटा टाइप है उसका भी प्रयोग किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एक फील्ड डाली हमने, ऑटो नंबर रखा है उसे, और यहाँ पर फोटो यानी कि उस स्टूडेंट की फोटो आएगी, और फिर यहां पर स्टूडेंट का नेम आएगा और उसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, ये फोटो जो है अटैचमेंट रखा है हमने, और कंप्यूटर इसे नंबर रखा है, और इंग्लिश और मैथ, और फिर यहाँ टोटल। ठीक है, तो टोटल यहां पर हम डायरेक्टली टोटल कर सकते हैं। कैसे टोटल करेंगे आइए दिखाता हूं। यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करेंगे, ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप इसमें मिल जाता है आपको, और यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाया, और फिर यहाँ पर वही वही चीजें हमें लेनी है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, ये लिख दिया हमने कंप्यूटर, और यहाँ प्लस का निशान लगाइए। फिर यहाँ पर है इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ, और इंग्लिश को लिखने के बाद यहाँ फिर प्लस का निशान लगाइए, और यहाँ पर हो जाएगा मैथ्स, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैथ्स। ओके, तो ये तीनों को लिखने के बाद आपको करना है ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और अब यहाँ पर अगर व्यू पे क्लिक करते हैं आप तो ये सेव भी हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने। अब इसमें डेटा आप एंट्री कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला सीपीईटी फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पे लिखता हूं मैं इस टेबल को नाम देता हूं सीपीईटी सेकंड, तो यहां लिखा सीपीईटी सेकंड। ठीक है, तो ये सीपीईटी सेकंड हो गया। अब यहां पर फिर वही चीज रोल नंबर और वगैरह वगैरह सारी चीजें आएंगी, तो यहां पे लिखा मैंने रोल नंबर। ठीक है, स्टूडेंट आईडी पहले में दिया था, यहां रोल नंबर कर देता हूं, और यहां पर कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, नंबर रख लेते हैं। ठीक है, और यहां पर फिर स्टूडेंट का नेम आएगा। ठीक है, और स्टूडेंट नेम लिखने के बाद फिर यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट। ओके, और जो जो सब्जेक्ट यहां पर थे, जैसे कि यहां पर कंप्यूटर इंग्लिश और मैथ है, तो यहां पर भी वही वही चीजें हमें रखनी होंगी, तो चलिए रख लेते हैं। तो यहां पहले लिखा कंप्यूटर, आपको डेटा टाइप क्या रखना है, ये मैथ्स में भी आपको रखना है नंबर डेटा टाइप, शॉर्ट टेक्स्ट यहां पर भी रख रखा है हमने, तो इसको भी नंबर बना लेते हैं, और यहां पर कंप्यूटर को भी डेटा टाइप नंबर बना लेते हैं। अब इतना कर लेने के बाद यहां पर आएंगे और यहां पर वापस से कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करेंगे, तो इज इक्वल टू फिर वही कंप्यूटर इंग्लिश और मैथ, क्लोज किया ब्रैकेट, प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स। ओके, तो इतना लिख लिया हमने, और इतना लिख लेने के बाद यहां से ओके प्रेस किया। तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे और फिर यहां व्यू पे करेंगे क्लिक, तो यहां पे इस तरीके से कुछ आएगा आपके सामने। अब यहां पर एक फील्ड हमने नहीं डाली है, फोटो नहीं डाला है, तो यहां पर फोटो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जाइए और राइट क्लिक कीजिए और फिर यहां पर इंसर्ट रोज, तो यहां पर आ गए। अब यहां पर लिख देता हूं फोटो, तो स्टूडेंट की जो भी फोटो है वो यहां पर आ जाएगी, और इसे रखेंगे हम क्या, अटैचमेंट डेटा टाइप। तो यहां से आप चूज कर लीजिए अटैचमेंट। ठीक है, ये अटैचमेंट दिया हुआ है, इसको आप चूज कर लें, और यहां से व्यू पे कर दीजिए क्लिक, तो ये इस तरीके से शो होगा। अब चलते हैं पहले वाले पे, ये हमारी पहली टेबल थी जिसको हमने नाम दिया सीपीईटी फर्स्ट। अब यहां पर कोई भी स्टूडेंट का नाम हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, और यहां पर 65 मार्क्स आ गए इंग्लिश में आउट ऑफ 100, और यहां पर 75 आ गए। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के यहाँ टोटल शो हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमें उस स्टूडेंट का फोटो भी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहां से ऐड करवाएंगे आपके सिस्टम में, जहां भी फोटो मौजूद होगा, इस ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको लेके जाएगा वहां पर। ठीक की हो वो चूज कर लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए समझने के लिए एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहां लेता हूँ कोई भी एक फोटो। ठीक है, मैं ले लेता हूँ ये, और ये एक्चुअली कोई फोटो नहीं है लेकिन चलिए कोई इमेज ही है, तो इसको ले लिया मैंने। ठीक है, और फिर यहां पर जब सीपीईटी 2 में आएंगे तो फिर वही काम करना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी यहां पे ये पहली फोटो हमने ले ली, फिर यहां पर डबल क्लिक करेंगे, फिर दूसरी फोटो हम लेंगे यहां से, तो क्लिक किया हमने और फिर कोई भी एक फोटो यहां से चूज कर लेता हूं, ये ले लिया हमने, ओके किया, तो ये यहां पे आ गया। अब मान लीजिए यहां पे लिख दिया हमने श्याम, दूसरा नाम है श्याम, तो ये लिख दिया श्याम, और यहां पर 55 मार्क्स, 45 मार्क्स और 78 मार्क्स, ये आ गया, यहां पे टोटल भी आ गया। अब यहां से इसको कर लेता हूं सेव, ये दो ही स्टूडेंट को रहने देता हूं मैं, और आ जाते हैं अब कहां, सीपीईटी 2 पर, और यहां पर रोल नंबर आ रहा है, तो यहां पर रोल नंबर हम स्टार्ट करेंगे 111 से, और यहां पर आएंगे तो यहां पर फिर डबल क्लिक करेंगे, और यहां से जो भी फोटो मौजूद होगी, जो भी फोटो होगी उसको हम ले लेते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ राम, ठीक है, इन्हीं स्टूडेंट्स का सीपीटी 2 हो रहा है, ठीक है, 70 मार्क्स, 89 मार्क्स और 89 मार्क्स, ये दे दिया हमने। और फिर यहाँ पर श्याम करेंगे तो यहाँ पर रोल नंबर है इनका 112, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया डबल क्लिक और यहाँ से एड पे क्लिक किया और यहाँ से फिर फोटोज हमें यहीं पर मिलेंगी, फोटो ये ले लिया हमने, डबल क्लिक किया और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे कर देता हूँ श्याम, ओके, तो ये कर दिया हमने श्याम, और यहाँ से फिर वही 55, 67 और 88 ये हमने दे दिया मार्क्स। अब इसको भी कर लेते हैं सेव, तो ये दोनों हमने बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना है, ये दोनों जो टेबल्स हैं इन दोनों को हम ज्वाइंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्रिएट पे जाना है और क्वेरी डिजाइन पे जाना है आपको, तो क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाएंगे तो ये दोनों टेबल्स आपको नजर आएंगी। यहाँ पे इसको ले लीजिए और यहाँ पर इसको ले लीजिए, दोनों को ले लीजिए, ओके, और यहां से अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको मैं आप बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसमें सेम फील्ड तो है नहीं, फिर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए स्टूडेंट आईडी पर, हो गया। फिर यहाँ पर जो भी फोटो है उसको आप डबल क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये फोटो आ जाएगी। अब ये तीन बार आ गई है, इसको कट, ठीक है, और अब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर आपको स्टूडेंट का नेम भी चाहिए तो यहाँ स्टूडेंट नेम ले लीजिए, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स और यहाँ पे टोटल, तो टोटल भी जरूरी है। और फिर रोल नंबर और फोटो तो लेने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही वाला है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स और यहाँ पे टोटल, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने ले लिए। और यहां से अब कर दीजिए रन पे क्लिक, तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो ये सीपीईटी 1 है और ये सीपीईटी 2 है, ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों के मार्क्स आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अलग अलग मार्क्स दोनों में दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर सीपीईटी 1 में राम जो है उनके 70 मार्क्स है, कंप्यूटर में, इंग्लिश में 65 है और मैथ्स में 75 है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 210 मार्क्स है। और यहाँ पर देखिए ये स्थिति है सीपीईटी 2 की, तो दोनों को इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, भले ही आपको कोई कॉमन फील्ड ना मिले तो भी, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पे जाइए और इसको मैं क्यू आर वाई टी कर देता हूँ, क्यू आर वाई टेबल टी, तो इसको मैंने सेव कर दिया इसी नाम से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्रिएट पर जाकर के आप चाहे तो फॉर्म विजार्ड में जाकर के इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक किया और हमें क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए, अगर आपको सारी फील्ड्स चाहिए तो सारी फील्ड्स आप ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से ओके प्रेस कीजिए। और यहाँ से हम इसको डेटा शीट व्यू में देखना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, कॉलमर फॉर्म में, तो वो चीज कर लीजिए। और यहाँ पर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई भी कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, देखिए ये छोटा बड़ा जो दिख रहा है आपको, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ से इस पे क्लिक करिए करके और इसको धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। ये देखिए ये हमें थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना है इधर की तरफ, और ये यहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेते हैं ताकि ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा, यहां पर एडजस्ट होने के लिए इसको जगह मिल जाएगी। इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम, तो ये देखिए अब यहां से व्यू पर कर दीजिए क्लिक, तो ये देखिए यहां पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा जनरेट होकर आ जाएगा और आप फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप बैकग्राउंड पर कलर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहां से डिजाइन व्यू पर आ जाइए और डिजाइन व्यू पर आने के बाद आपको क्या करना है, होम पर जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर। तो यहां पर जो भी कलर आपको यूज करना हो वो आप यूज करिए, यहां से मैं इस कलर को यूज कर लेता हूं। यहां पर ऊपर कोई दूसरा कलर अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं, यहां से मैं ये कलर यूज कर लेता हूं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस पूरे को सिलेक्शन में लेकर के इसे मैं कर देता हूं ब्लैक,
अगर मैं इसे ब्लैक कर दूंगा टेक्स्ट को तो ये अच्छे से दिखेगा, तो इस वजह से मैं इसे ब्लैक कर देता हूं, और आप चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, डार्क हो जाएगा ये। और यहां से अब व्यू पे कर दीजिए क्लिक, तो ये अब देखिए इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहां पर कुछ चीजें सिलेक्शन के लिए रह गई थी, तो यहां पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, अब ये सारी चीजें सिलेक्शन में है, ठीक है। और अब यहां पर होम पे जाके बोल्ड कर देता हूं, इसे ब्लैक कर देता हूं, और यहां से व्यू पे करता हूं क्लिक, तो यहां पर दोबारा बोल्ड कर देने से वो बोल्ड फॉर्मेटिंग हट चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा का पूरा जो है अच्छे से हमारा तैयार हो गया है इस तरह का फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर कर सकते हैं। क्वेरीज को लेकर के विकास जी की भी रिक्वेस्ट है, काफी समय से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो मैं धीरे धीरे करके केवल क्वेरीज पे ही वीडियो डालता जाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।